आपका कहना ठीक है क्योंकि आज देखा जा रहा है कि यकायक प्रशासन द्वारा एक ट्रैफिक प्लान बना दिया गया है और इस ट्रैफिक प्लान को बनाने से पहले एक चीज़ देखी गई है कि पूर्व में ऐसा होता था कि सभी संस्थाओं को जिसमें ट्रेडर्सन आउटलेशन होती थी उनको कॉन्फिडेंस में लेके ये प्लान बनाया जाता था, लेकिन इस बार यकायक प्रशासन द्वारा कुछ अधिकारियों जो भी इसमें से रहे होंगे उन्होंने एक प्लान बना दिया जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली उसमें देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। माल रोड पर देखा जा रहा है ज़रूरी चीज़ों की कमी पड़ गई है, इसमें सप्लाई की गाड़ियां, दूध के वाहन, गैस सिलेंडर वगैरह जाने के लिए भी बड़ी दिक्कत हो रही है, जिस वजह से सब जरूरी सामान नहीं पहुंच पा रहा है। और जिस हिसाब से यहां पे पर्यटक आ रहे हैं, एक चीज़ और देखी जा रही है कि सिर्फ उन्हीं पर्यटकों को छोड़ा जा रहा है जिनके पास ऑनलाइन बुकिंग है, क्योंकि अधिकांश देखिए हमने एक ट्रैफिक प्लान जारी किया है, इसके तहत हमने जो लाइब्रेरी चौक वाला जो पॉइंट है, जो बॉर्डर लेक है जिसमें गाड़ियां अक्सर फंस जाती थी और लंबी लंबी लाइन लग जाती थी, उससे रियायत देने के लिए हमने यहां पर वन वे लूप की व्यवस्था की है। वन वे व्यवस्था यहां पर हमने प्रायोगिक रूप से शुरू की है गांधी चौक पर। इसमें जिन लोगों को असुविधा हो रही है उनके असुविधा का ध्यान रखते हुए हमने ये रियायत की है कि अगर किसी को मॉल रोड जाना है तो वो गांधी चौक पर से हम उसको फैसिलिटी दे रहे हैं, या अगर इस गांधी चौक से बहुत नज़दीक उसका होटल है तो वहाँ पर हम उसको एक्सेस प्रोवाइड करा दे रहे हैं। बाकी माना किसी को कैंपटी फॉल जाना है या लवासना अकेडमी की तरफ जाना है या आपका कंपनी गार्डन की तरफ जाना है तो पूरे लूप का जा करके वहाँ जा रहा है। और नए वर्ष की जहाँ तैयारियों की बात है तो नए वर्ष में एक ट्रैफिक प्लान हम लोगों ने बना रखा है। एक तो ये वन वे लूप व्यवस्था हमने स्टार्ट कर रखी है, दूसरा जितनी भी गाड़ियाँ मॉल रोड में जिन गाड़ियों को जाना है वो उसको हम लोग कैमल बैग से होते हुए वन वे के माध्यम से उनको भेज रहे हैं। देखिए दो साल के कोविड के बाद जो है न्यू ईयर का प्रोग्राम करने के लिए हर होटल तैयार हुआ है, लेकिन हमारे साथ दुर्भाग्य इस बात का है कि इस बार के जो ट्रैफिक प्लान बनाए गए हैं उससे जो है टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और उसका जो है हम कहीं ना कहीं उसको उचित नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उस यहाँ पे अधिकतर टूरिस्ट जो आता है इस दौरान जो आता है वो आता है बजटेड टूरिस्ट। बजट टूरिस्ट जो आता है वो अक्सर अपनी बुकिंग नहीं करता है, वो यहाँ पे आकर के अपने होटल्स में कमरे ढूंढता है और उसके हिसाब से ही अपनी बुकिंग्स करता है। तो उस ये सब ना होने की वजह से, उनको ना आने देने की वजह से यहाँ पे पर्यटन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। इस तरह का प्रतिबंध लगा देखिए देहरादून से जो हम लोगों को अखबारों के थ्रू पता लगा है कि देहरादून से जिसकी भी बुकिंग नहीं होगी वह मसूरी में आना उसको अलाउ नहीं किया जाएगा।